हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है नो ब्रश पेंटिंग। तो आज हम पेंटिंग के लिए किसी भी ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे और हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पीकॉक थीम एंड ओशियन थीम बॉटल्स विद एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न ऑन दिस। और इन्हें बनाना इतना आसान है कि आप बिल्कुल कम समय में इन्हें तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे दो आसान तरीके इन पर गोल्डन टेक्सचर क्रिएट करने के। और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आपको कौन सा अच्छा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस ग्लास बॉटल पर हम अप्लाई करेंगे जैसो, ताकि इस पे जो कलर्स हम अप्लाई करेंगे वो उभर के दिख सके। यहाँ पर जैसो लगाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्पॉन्ज डैबर का। अगर आपके पास स्पंज डैबर नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी स्पंज का पीस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसे हमें पूरी तरह से ड्राई होने देना है, उसके बाद ही हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों बॉटल्स पर मैंने एक कोट लगाया है जैसो का और ये अब पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इस क्लिंग रैप का। ये जनरली हम सभी के घर में अवेलेबल होती है, बट इन केस अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी सॉफ्ट प्लास्टिक का शीट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो क्लिंग रैप को हम इस तरह से यहाँ पर टेबल पर स्प्रेड कर लेंगे। इसका जो लेंथ है आपको बॉटल की लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है। और अब हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग। तो फर्स्ट हम बनाएंगे ये पीकॉक शेड बॉटल, और इसके लिए जो कलर्स आपको यूज करने हैं वो आप इस शेड कार्ड में देख सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लू, टर्कोइज, ग्रीन, येलो एंड पर्पल शेड का यूज करेंगे। तो मैंने भी इन सभी शेड्स को कलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर एक्रिलिक पेंट्स का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास एग्जैक्ट शेड नहीं है तो आप उससे मिलता जुलता कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रॉयल ब्लू कलर, बिकॉज पीकॉक कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें ब्लू कलर थोड़ा डोमिनेटिंग होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हम ब्लू कलर का यूज करेंगे और इस तरह से रैंडमली यहाँ पर कलर ड्रॉप्स डालेंगे। फ्रेंड्स, कुछ बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कलर्स आपको यहाँ पे अच्छे से यूज करना है ताकि उन्हें हम स्प्रेड करके ब्लेंड कर सकें। और ये पूरा कलर ड्रॉप वाला प्रोसेस आपको क्विकली फिनिश करना है ताकि ये कलर्स ड्राई ना हो, स्पेशली इन समर्स जब हम फैन के नीचे काम करते हैं। अगर ये कलर्स ड्राई हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होंगे। तो अब हमने सभी कलर्स के ड्रॉप्स यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम अपनी बॉटल को इस शीट पर रखेंगे और इस शीट से पूरा बॉटल को कवर करेंगे। और उसके बाद हम अपने हैंड से इन सभी कलर ड्रॉप्स को स्प्रेड करेंगे और इन्हें ब्लेंड करेंगे। दिस इज रियली फन एंड इंटरेस्टिंग पार्ट। फ्रेंड्स, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की पेंटिंग टेक्निक्स आप बच्चों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को बड़ा मजा आता है कलर से प्ले करने में। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न या डिजाइन नहीं होती है। दिस इज जस्ट रैंडम कलर ब्लेंडिंग। तो सभी कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इस शीट को हम बिल्कुल धीरे से यहाँ से रिमूव करेंगे। अब आप देखेंगे कि कुछ जगह पे यहाँ पर पेंट अप्लाई नहीं हुआ है और वाइट स्पॉट्स रह गए हैं। तो जो शीट में लेफ्ट ओवर पेंट है उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से डैबिंग करेंगे। अब इस पेंट को हमें अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए रखना है क्योंकि उसके बाद हम इस पर देंगे गोल्डन टेक्सचर। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है हम अपना सेकंड बॉटल पेंट कर लेते हैं, जो है ओशियन थीम बॉटल। और इसके लिए हम यूज करेंगे टर्कोइज, वाइट एंड एक्वा ब्लू शेड। इन तीनों शेड्स के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप चाहें तो और भी कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सी ग्रीन कलर या फिर टील कलर। तो जो भी कलर आप यूज कर रहे हैं उसके कलर ड्रॉप्स आपको रैंडमली यहाँ शीट पर बनाने हैं। और फिर बॉटल को आपको शीट पर प्लेस कर उसे रैप करना है और सभी कलर ड्रॉप्स को आपको स्प्रेड करना है और ब्लेंड करना है। कलर्स को ब्लेंड करना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वो अलग से स्पॉट ना दिखे और ये एक शेड दूसरे शेड में मर्ज हो जाए। तो इस तरह से हमने दोनों बॉटल्स पर बिना ब्रश का यूज किए एक एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर क्रिएट किया है। और अब हम इसे रख देते हैं ड्राई होने के लिए। अब ड्राई होने के बाद इन्हें थोड़ा और एम्बेलिश करने के लिए हम क्रिएट करेंगे गोल्डन टेक्सचर। तो हम यहाँ पे दो तरीकों से गोल्डन टेक्सचर क्रिएट करेंगे। वन इज विद गोल्ड लीफ एंड अदर इज विदाउट गोल्ड लीफ।
तो इस पीकॉक कॉम्बिनेशन पर गोल्डन टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी गोल्ड लीफ का। इसे यूज़ करना बहुत आसान है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। आपको रैंडमली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्लू अप्लाई करना है और फिर गोल्ड लीफ के छोटे छोटे पीसेस यहाँ पर स्टिक करने हैं। फ्रेंड्स, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हम बिल्कुल रॉ एंड रैंडम लुक में गोल्ड लीफ के पीसेस यहाँ पर लगाएंगे। इससे इसमें गोल्डन टेक्सचर क्रिएट होगा, जैसे कि पीकॉक फैदर में एक शाइनी सा गोल्डन लुक होता है। और यहाँ बॉटल के माउथ पर भी हम ग्लू अप्लाई कर कर गोल्ड लीफ को स्टिक करेंगे। गोल्ड लीफ यूज़ करते वक्त हम अपने हैंड्स को बिल्कुल ड्राई रखना है, अदरवाइज ये हमारे हैंड्स में स्टिक होने लगता है और जो भी एक्स्ट्रा गोल्ड लीफ है उसे हम ब्रश से वाइप ऑफ कर देंगे। और अब हम देखेंगे गोल्डन टेक्सचर क्रिएट करने का दूसरा तरीका। तो इस बॉटल पर हम मेटालिक पेंट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे गोल्डन टेक्सचर। आपको सिंपली एक प्लास्टिक या क्लिंग रैप का एक छोटा सा पीस लेना है और यहाँ पर हम गोल्डन पेंट के कुछ डॉट्स बनाएंगे और फिर इसे आपको बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वे में रैंडमली यहाँ पर अप्लाई करना है। ये जितने रॉ एंड अनफिनिश्ड होंगे उतना ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। आई लव टू वर्क विद द गोल्डन पेंट। आपने मेरे पहले भी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं अक्सर अपने आर्ट वर्क में गोल्डन टेक्सचर क्रिएट करती हूँ। इससे एक हाइलाइटिंग इफेक्ट आता है और जो हमारा आर्ट वर्क है वो और भी ब्यूटीफुल दिखता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि पहले ये सिंपली पेंटेड बॉटल लग रही थी, बट इनमें गोल्डन टेक्सचर क्रिएट करने से एक एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट एंड एक गॉर्जियस लुक आ गया। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये नो ब्रश पेंटिंग आइडिया? और इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।